प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग नागरिकों को जागरूक कर रहा है। भिवानी में नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की जांच और इलाज निःशुल्क किए जा रहे हैं। यहां बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एहतियातन सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। डेंगू के मच्छर से बचाव के लिए अस्पताल में विशेष तौर पर मच्छरदानी लगाई हुई है ताकि लार्वा न फैले। आपको बता दें कि बंसीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी में रोजाना डेंगू आशंकित मरीज फिजिशियन कक्ष में जांच करवाने के लिए पहुंचते हैं। इनमें से जिन मरीजों को डेंगू के लक्षण मिलते हैं उनसे सैंपल लिए जाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी डेंगू और वायरल अपने पांव पसार रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव कार्य कर रहा है। वहीं फिजिशियन डॉक्टर रितु फोगाट ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, लोग सफाई रखें और कपड़े ऐसे पहने जिससे मच्छर न काट सके। बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि कूलर में या फिर क्या होता है कि पौधों में फूल जाता है या फिर टंकी में होता है, खुली टंकी होती है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो चिड़िया को पानी पिलाते हैं, मतलब गमलों में कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको या तो इकट्ठा ना करूँ या करूँ तो हर 2 या 3 दिन में उसको निकाल के दूसरा फ्रेश पानी भर लूँ, या टंकियों को ढककर रखूँ, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए कि मस्कीटो काटे ही ना, मस्कीटो रिपेलेंट होते हैं, क्रीम्स होती हैं वो लगा सकते हैं, घरों में क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए मच्छरदानी होती है, नेट यूज कर सकते हैं। अपने घरों के आस पास पानी न जमा होने, कपड़े ऐसे पहने जिससे मच्छर न काट सके। डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है, डेंगू से बचाव के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग करें। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर पड़ने वाले लाल निशान, तेज बुखार, बहुत तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना। डेंगू एक घातक बीमारी है जो ठीक होने में काफी समय लेती है। कभी कभी डेंगू से प्रभावित होने पर कुछ समय के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। आप अगर बताए गए किसी भी लक्षण को देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उपचार करें। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।